स्वागत है भाई लोग आप सभी का फिर से मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। सो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं फ्री फायर के नेम के लिए कुछ यूनिक सा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिन सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अपने नेम को फ्री फायर के अंदर और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। तो वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को एक दो कॉम्बिनेशन तो पसंद आ ही जाएगा, और ये वीडियो भी बाकी निकनेम की वीडियो से काफी अलग होने वाला है। और साथ में आप लोगों को इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ नेम स्टाइल भी मिलेगा, ताकि आप लोग सही से इन सारे कॉम्बिनेशन को यूज कर पाओ अपने नेम के साथ। एंड बाकी वीडियो को पूरा देखना, एंड वीडियो अगर हो सके तो शेयर कर देना। मैं बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए, तो हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्त लोगों के साथ। एंड बाकी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड बाकी चलिए बढ़ते हैं अभी वीडियो की ओर। सो नंबर 1 नेम कॉम्बिनेशन है IM। सो इस नेम कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग फ्री फायर के अंदर नेम रख सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों का नेम राहुल है तो IM राहुल करके आप लोग फ्री फायर के अंदर नेम लिख सकते हो। देखो ये कॉम्बिनेशन काफी सिंपल है, आप लोगों ने बहुत सारे बंदों को देखा भी होगा इस नेम को यूज करते हुए, लेकिन उसको और भी ज्यादा क्रिएटिव आप लोग इस तरह से बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों का नेम के साथ जब भी आप लोग IM लिखोगे तो आप लोगों का जो नेम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। नेम स्टाइल आप लोगों को वीडियो के अंदर दिख ही रहा है, सो देख सकते हो IM छोटा करके, एंड बाकी का जो आप लोगों का नेम है उसको आप लोग मतलब बढ़ा करके रख सकते हो। सो इस तरह से नेम बनाना काफ़ी सिंपल है, आसान भी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे नेम स्टाइल की, कैसे नेम डिज़ाइन करते हैं, तो आप लोग उन सारे वीडियो को जाके देख के सीख सकते हो। सो बढ़ते हुए नंबर 2 कॉम्बिनेशन की ओर। तो नंबर 2 नेम कॉम्बिनेशन है जैसे कि दी रियल, आप लोग नेम के आगे लगा सकते हो। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों को बता दूं ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी फेमस है, एंड बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं नेम के साथ, मतलब फ्री फायर के अंदर नहीं, बहुत सारे और भी सोशल मीडिया पे एंड बहुत सारे और भी जगह पे। तो अगर आप लोग चाहो तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अपने नेम को भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों का नेम, मतलब फिर से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, राहुल है, तो दी रियल राहुल ऐसे लगा सकते हो फ्री फायर के अंदर, जो कि काफी ज्यादा क्रिएटिव लगेगा देखने में, क्योंकि आपके नेम के बहुत सारे बंदे हैं फ्री फायर के अंदर। अगर आप लोग दी रियल अपने नेम के आगे लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपका जो नेम है वो रियल है, एंड बाकी के जितने भी है वो सारे फेक है। सो काफी मस्त सा कॉम्बिनेशन है, जरूर आप लोग ट्राई करना। और कॉम्बिनेशन की स्टाइल की बात करें तो आप लोग किसी भी नेम स्टाइल पे रख सकते हो ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब नॉर्मल फोन स्टाइल के साथ भी अगर यूज करोगे तब भी मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक लगेगा, और अगर हो सके तो स्टाइलिश फोन के साथ भी यूज करना। बाकी नेम स्टाइल आप लोगों को एक वीडियो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, सो इस तरह से भी आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोगों को नेम स्टाइल पसंद है तो। सो बढ़ते अभी नंबर 3 कॉम्बिनेशन की ओर। तो नंबर 3 नेम कॉम्बिनेशन है जैसे कि नेम के आगे आप लोग हु लगा सकते हो। जैसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी एक सेलिब्रिटी ने यूज किया हुआ है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन से सेलिब्रिटी ने कौन सा नेम कॉम्बिनेशन यूज किया है। एंड बाकी अगर आप लोगों को पसंद है अपने नेम के आगे आप लोग हु लगाना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। बाकी काफी ज्यादा क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है जैसे कि हु, और बाकी फ्री फायर के अंदर कुछ इस तरह से स्टाइल करके भी लगा सकते हो इस कॉम्बिनेशन को। एंड बाकी अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग यूज करो, नया भी है एंड काफी ज्यादा क्रिएटिव भी है। एंड बढ़ते अभी नंबर 4 नेम कॉम्बिनेशन की ओर। सो नंबर 4 नेम कॉम्बिनेशन है जैसे कि नेम के आगे आप लोग दी लगा सकते हो। तो ये तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, बाकी आप लोगों को मैं बस याद दिला रहा हूँ आप लोग अपने नेम के आगे दी लगा सकते हो। जैसे कि आप लोगों का नेम जो भी हो, राहुल अगर है तो दी राहुल ऐसे भी लगा सकते हो, एंड कुछ इस तरह से आप लोग स्टाइल करके भी लगा सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में। तो दी बहुत सारे बंदे यूज करते भी है, एंड अगर आप लोगों को पसंद भी है तो आप लोग बेझिझक यूज कर सकते हो। बाकी आप लोगों का जो नेम है वो भी काफी ज्यादा क्रिएटिव बनेगा इस तरह से। सो बढ़ते अभी नंबर 5 नेम कॉम्बिनेशन की ओर। तो नंबर 5 नेम कॉम्बिनेशन है जैसे कि आप लोगों को अपने नेम के आगे इट्स लगा सकते हो। तो इट्स को बहुत सारे बंदे इस तरह से लगाते हैं ITZ करके भी, तो इस तरह से भी आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद है। एंड ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत सारे बंदे यूज करते हैं, मतलब ये कॉमन हो चुका है, तो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरह से आप लोग स्टाइल करके भी यूज कर सकते हो जो कि अच्छा लगेगा दिखने में। एंड बाकी एक और बोनस आप लोगों को मैं नेम कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, जैसे कि नेम के आगे आप लोग प्लेयर लगा सकते हो, जैसे कि प्लेयर राहुल इस तरह से, और दी प्लेयर भी ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो नेम में ज्यादा अल्फाबेट हो जाएगा। फ्री फायर के अंदर मतलब 12 अल्फाबेट से शो होते हैं नेम सेक्शन पे, एंड अगर आप लोग किसी दूसरे सोशल मीडिया या फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी यूज करना चाहते हो सो कर सकते हो। एंड बाकी इन सारे कॉम्बिनेशन को आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मतलब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक एंड बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप लोग इन सारे कॉम्बिनेशन को आप लोग अपने नेम के साथ यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को फ्री फायर के अंदर ही यूज करना है। सो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ ये सारे कॉम्बिनेशन कौन से सेलिब्रिटी ने यूज किया हुआ है। सो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। सो मतलब आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अजीब ना लगे, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन किसी ने आज तक यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं दिया है, तो मतलब मैं पहली बार आप लोगों को दे रहा हूँ, सो शायद आप लोगों को अजीब लग सकता है इसीलिए। एंड बाकी आप लोगों को स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है कि कौन से सेलिब्रिटी ने यूज किया है, एंड बाकी अभी आप लोग भेजे यूज कर सकते हो।
तो बस भाई लोग ये था आज का वीडियो, एंड बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।